कोरबा जिले के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के दीपका कोयला खदान में एक ड्रिल मशीन में अचानक आग लग गई। आयल लीक के बाद भी काम लेने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक विहार गोंदवारा स्थित गुरु कृपा ट्रेडिंग के संचालक द्वारा नकली इंजन ऑयल बनाकर अलग अलग नामी कंपनियों के स्टिकर लगाकर बेचने की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर गोदाम से 1135 लीटर गुणवत्ताहीन रिफाइल नकली इंजन ऑयल जब्त कर अमनदीप छाबड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के खमतराई थाना क्षेत्र के बम्बनपाली चौक में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई, जब एक ट्रक के चलते हुए उसके पीछे का पहिया अलग हो गया, जिससे एक स्कूटी सवार उसकी चपेट में आ गया और स्कूटी सवार दो लोग घायल हो गए। जसपुर जिले के फरसाबहार थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर व ट्रॉली की चोरी कर उसका उपयोग करने वाले आरोपी पास्कल टोप्पो, सरोज कुमार भगत, नवीन भगत और ब्रिजलाल भगत को फरसाबहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी का ट्रैक्टर व ट्रॉली को बरामद किया है। सूरजपुर जिले के खड़गवा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम धर्मपुर में दबिश देकर अवैध कोयला भरकर खड़ी ट्रक को पकड़कर 2,80,000 रुपए कीमत का 28 टन कोयले के साथ ट्रक ड्राइवर प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महगवा चौक के पास घेराबंदी कर मेरसाय उर्फ मेरू रजवाड़े से चोरी की एक बाइक तथा ग्राम बड़े साली बचरापोड़ी निवासी भोला प्रसाद को एक बाइक बेचना बताने पर उसे भी गिरफ्तार कर बाइक को बरामद कर लिया है। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम की हत्या का खुलासा पुलिस ने चंद घंटों में ही कर दिया। मासूम के पिता ने ही शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी थी। उसे मासूम के अपना बच्चा न होने पर संदेह था। पुलिस ने चंद घंटों में ही हत्या की गुलती सुलझाकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को नेशनल हाईवे 130 सी मैनपुर से 3 किलोमीटर दूर ग्राम गौरघाट देहारगुड़ा तिराहा के पास से राजस्थान के 2 युवक आशिक हुसैन व मुकेश योगी को 12 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार करने में गरियाबंद जिले की मैनपुर पुलिस को सफलता मिली है। कोरबा जिले के मानिकपुर चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुड़ापार शराब दुकान के पास चोरी का दोपहिया वाहन बेचते ग्राहक तलाशते 2 आरोपी शेख असलम व अनूप यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 5 नग स्कूटी व 1 बाइक जब्त की है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा पुलिस ने अलग अलग जिलों में मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर गजेंद्र उर्फ गज्जू को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी के पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद कर चोर से चोरी की बाइक खरीदने वाले एक खरीदार अमित सारथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले में हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को ठोकर मार दी, वहीं स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार भी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूरजपुर जिले की बेरदेई चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर झारखंड नगर उटारी से प्रतापपुर भैया थान होते हुए सूरजपुर की ओर मारुति सुजुकी आर्टिका कार से जा रहे 3 युवकों मोहम्मद हसन, रमीज राजा उर्फ आसू व आलम अंसारी को पकड़कर उनकी कार से 3 लाख रुपए कीमत की नशीली दवाओं की खेप को बरामद किया है। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में उठाईगिरी व पॉकेटमारी की 2 घटनाओं को अंजाम देकर 70,000 रुपए पार करने वाले नट गिरोह के 2 सदस्यों को सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़कर मामले का खुलासा कर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले की घरघोड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चिमटापानी फुटामुड़ा जंगल में 52 पत्ती ताश से जुआ खेल रहे 9 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़कर उनके पास से 2,60,000 रुपए नगद, 11 नग मोबाइल व 4 मोटरसाइकिल को जब्त किया है।
सरगुजा जिले की दरिमा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इगई पारा रोड में गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे एक युवक जसवंत को पकड़कर उसके पिट्ठू बैग से 90,000 रुपए कीमत का 9 किलो गांजा जब्त किया है। महासमुंद जिले के सरायपाली थाना ने मुखबिर की सूचना पर NH-53 स्थित ग्राम चट्टी गिरोला और भोतली डी के पास दबिश देकर राहगीरों से रुपए वसूलने वाले तीन युवक रविंद्र प्रताप सिंह, भूपेंद्र प्रताप सिंह व वीरजीत देवांगन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर उनके पास से नीली बत्ती सायरन व पुलिस का नेम प्लेट लगी स्कॉर्पियो, AK-47 समेत जिंदा कारतूस, 4 नग मोबाइल व 4,500 रुपए नगद जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कवर्धा जिले की कुंडा पुलिस ने धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान सोने की जेवरात चोरी करने वाली दो महिलाओं को जांजगीर चापा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के पास से 56 नग सोने का दाना, 16 नग सोने की कुबरी व 1 नग सोने का लॉकेट जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 1,76,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत परपोड़ी में गृह बाधा दूर करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बिहार निवासी दो आरोपी पंकज कुमार लालदेव व जगन्नाथ लालदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ परपोड़ी निवासी सौरभ चौधरी ने गृह बाधा दूर करने के नाम पर पहले 15,000 रुपए लेने की बाद 22,000 रुपए और मांगने की शिकायत की थी। शनिवार को दोपहर रथ मेला घूमने जंघोरा से पिथौरा आ रही कार बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में सभी घायल हो गए, परंतु किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सभी घायलों को उपचार हेतु पिथौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। रायपुर में भारत माता चौक के पास बगैर आंधी तूफान के अचानक विशालकाय पेड़ गाड़ी के ऊपर गिरने से हाहाकार मच गया, साथ ही ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है। सुकमा जिले में कई घटनाओं में शामिल तीन नक्सलियों कमलू माड़ा, नुप्पो बड़ी व एक अन्य ने CRPF व पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन तीनों को प्रोत्साहन राशि दी गई है और शासन की पुनर्वास नीति का लाभ देने की बातें अधिकारी कह रहे हैं। जसपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र के ग्राम दोकड़ा में शनिवार रविवार की रात अज्ञात लोगों द्वारा दो लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं घटना स्थल पर दोकड़ा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। मृतकों की पहचान लड़गा निवासी संदीप पन्ना व द्रौपदी बाई के रूप में हुई है। हालांकि इस घटना की वजह का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। राह चलते लोगों से मोबाइल लूटने वाले आरोपियों शुभम राजभर, रवि पटेल उर्फ जयप्रकाश पटेल को नंदनी पुलिस ने एक नाबालिग के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के 8 नग मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया गया है।